भैंस के पीछे 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 रहता दोस्त के कैसा लोग दिख रहा है। मेरे आगे भैंस आ गया, भैंस का गाड़ी बन गए फ्रेंड्स से उतरो। झरना कितना दूर है? झरना तो बहुत दूर है। कितना देर लगे जाने में? अढ़ाई घंटा लग जाएगा। हाँ तो अढ़ाई घंटा जाने में, अढ़ाई घंटा आने में, तो आने में काम लगता है। है ना, चढ़े तो धीरे धीरे चढ़ेंगे परी। आपके गए हैं? हम गए ले तो अभी नहीं गए, वही पानी मार रहा है ही बहुत ही का पूरा। हाँ, उन्हें इतना भूख पड़ेगा, पानी ज़्यादा गिरा फिर ऊपर में। हाँ, बहुत जीना ना बहुत ना है, अपनी बगल के पार ना होते जाइए। रास्ता नहीं क्या देखा बनेंगे? रास्ता है ना, रास्ता का मार भोपाल हो गई बाप धरी बढ़ के सब जनसन से। ओ रास्ता बदल चला है, कोई देलो ना यो ना, ये कर लखा गांव आ जाते हैं। सो कौन झरना है? ये कौला 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 की केवला कौला। ये दोस्तों की काफिला जो निकल पड़ी है इस पहाड़ की वादियों में। कहाँ ही गया है कि दिल लगता है इस पहाड़ों की वादियों में। सर देखिए ये हरा भरा ये सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो मजा है ना, वो कोई आपका आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं ले सकता है। ये जो पानी की आवाज जो सुन रहे हैं, ये पहाड़ों की पत्थरों के बीच लहलहाकर पानी जो आ रही है, वो पत्थरों के बीच को चीरते हुए जो पानी निकल रही है ना, इसका आवाज है। लोग अपने संकीर्ण पथ को पथ प्रदर्शक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झाड़ियों को चीरते हुए अभी हम लोग को उस झरने के पास जाना है और लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पास देखने से देखने से तो बहुत पास लग रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये पानी के द्वारा जो बहाया गया मिट्टी है उसी के द्वारा बनाया गया रास्ता है, और हम लोग इसी रास्ते से लगता है इस साल इस झरने के पास अभी तक कोई नहीं आया है, या फिर यहाँ पर बहुत कम मूवमेंट हुआ है। और अभी हम लोग झरने के सोते के पास पहुँच गए हैं, और हमारे आगे का जो रास्ता होगा वो इस नदी के रास्ते तय होगा। आगे का रास्ता हम लोग इसी नदी के सहारे तय करेंगे। काफी सुंदर जगह है, आप यहाँ आए जरूर एक बार। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे जूते सारे भींग चुके हैं और पैर थोड़ा पानी के वजन के कारण जूते का वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसे प्लेस पर आप बिना जूते के आने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पहाड़ का जो पत्थर है वो कहीं कहीं इतना धारदार है
कि अगर पैर फिसल गया तो पैर आप पैर में आपके कट लग जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ जूते या कपड़े को भींगने से ना बचाएं, जैसा होता है वैसा चलने दें। अभी मानसून का सीज़न है और मानसून लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये बेस्ट सीज़न है इस जगह पर आने का। तो चलते हैं, अभी हम लोग झरना का जो रास्ता था उसको छोड़ चुके हैं और साइड में एक रास्ता बना हुआ है उसी पर हम लोग चल रहे हैं। आगे फिर हम लोग झरने वाले रास्ते को पकड़ेंगे। ये झरना वापस हमें मिल गया है और जो मेन स्ट्रीम है वो अब दिखना भी शुरू हो गया है, तो पहले इसको क्रॉस कर लें। काफ़ी काई है इसमें। बहुत ज़्यादा काई है, काई के कारण फिसलन होती है। हम लोग क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा है तो अभी हम लोग साइड से जो पानी आता है ना बारिश में उससे जो रास्ते बन जाते हैं हम लोग उसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उस वाले रास्ते में बहाव ज़्यादा है। यहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है प्रैक्टिकल, यहाँ पर पानी के बहाव से रास्ते बन जाते हैं। एक्चुअली जब बारिश तेज होती है तो इस रास्ते से भी पानी का बहाव शुरू हो जाता है। ऊपर में है हमारे सफर में सात साथी, छह है ना हम लोग टोटल। पांच तो हम लोग पटना से आए और दो यहाँ से हो गए, सात टोटल हो गए। एक हमारे टीम लीडर जो पिछले वाले वीडियो में है भूखी खो वाले में, और बाकी अंकित जी, मनीष जी और पटेल बाबू और अमन बाबू। हाँ, दीज आर न्यू विजिटर्स। Actually, I am so excited. I am excited. हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वो झरना देख रहे हैं, हम लोग वहीं जाने वाले हैं। और देखने में थोड़ा नज़दीक लग रहा है लेकिन अभी भी ये रास्ता काफ़ी लंबा है। अभी तक हम लोग लगभग एक से एक घंटा के आसपास चल चुके होंगे और लगभग दूरी तो अब लग रही है देखने में कि 500 मीटर भी नहीं होगा। दूरी तो अब देखने में लग रही है कि झरने की कि 500 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन इसको पहुंचने में हम लोगों को करीब एक घंटे का समय लगने वाला है। वापस हम लोगों को नदी वापस मिल गई है, फिर से नदी के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे। Hey!
रहे पानी से। आखिर हम लोग को रास्ता पता चल ही गया। अरे हेलो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। ड्रिंक ब्रेक है, ड्रिंक ब्रेक, ड्रिंक ब्रेक हम लोगों का। 1000 कैलोरी घट गया होगा। हम लोग बगैर रास्ता के जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये फॉलो कर रहे हैं। बटरफ्लॉप दिखाई दे रहा है, वहीं पर पहुंचना है हम लोगों को। हम बताएं तुम लोग कैसा लग रहा है? वीडियो में नहीं दिखाता कि गाड़िया से लेके आता है केलवा बंदरबन से लुट लुट के खाता है। वैसे ही लग रहा है कि सबके केला मिल गया, बैठ के खा रहा है। हमें पता चला है कि यहाँ राम जी के समय से कुछ ऐसे झरने हैं जो यहाँ हम लोग को एक साधु ने नीचे बताया कि ऊपर जाके कौन सा राम बाबा राम जी का जो धोती था जिस रंग से रंगाता था उसका पता है फिरता उसी का खोज करने जा रहे थे। ए भाई इस समय मजाक मत करिए, मजाक नहीं, कल पुलिस उठा के लेके चल जाता। धार्मिक भावनाओं पर कोई चोट नहीं। जानता है फिर क्या हो जाएगा? वायरल हो जाएगा ना। नहीं तुम भी अगर नहीं जाएगा ना तो चैनल ब्लॉक कर देगा। पता चला कि सब्सक्राइबर भैया कहा के सब्सक्राइबर जुटाया है। और एक मेरी चैनल डिलीट। चश्मा में पहन के तो नहीं खेल पटेल पटेल तू केलवा खाओ तो चश्मा में पहन के थोड़ा खाओ ना पटेल चश्मा में पहन के तुम केलवा खाओ ना, तुम खाओ ना। Oh my God! What a gorgeous केला। जाए अब तो रास्ता आगे बंद हो गया है, झरने के रास्ते से अब हम लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऊंचाई है तो हम लोगों ने ये साइड से बना हुआ रास्ता चुना है। यहाँ पर काई बहुत ज़्यादा है, काई बहुत सावधानी से ये सब पकड़ ही के आना है। इट मे बी सबसे क्रूशियल पार्ट है हमारा, पैर फिसल सकता है, फिसलने के बाद कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बिल्कुल होशो आवास में चलें सावधानी से। ए झाड़ी पकड़िए। ओह माय गॉड, मेरा बारिश बहुत ठंडा साफ हो रहा है गर्मी में भी।
बढ़िया से हाथ पैर फिर लेगा तो कट जाएगा। पनीर में ज्यादा आसान होता हुआ पनीर में चला आराम से ना पनीर पिछला है साइड 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 और बहुत बड़ा है उससे आसान तो इधर था भी गाय तो इधर है अरे सुनो ना खेल ठाल गया होगा चढ़ा दो रस्सी रखा दो हाँ नहा लिए अब वापस वही रास्ता से चलते हुए घर चल रहा ठीक है वही रास्ता तो भूल गए मैंने भैया जरूरी नहीं है वही रास्ता रास्ता बदल भी सकता है रास्ता कुछ खास हम लोग के पास बस एक सवा घंटा है हम लोग को उसी के अंदर कानून बदल सकता है संविधान का मूल भावना तो वही ना रहेगा नदी किनारे किनारे चल रहा यही फोकस बिना रास्ता के आए हैं बिना रास्ता नदी ऐसा चीज है कि पानी तक पहुंचाइए देगा जहां लोग कार पार किए थे यहां सब हम लोग को नीचे उतरना है ये ऐसा पहाड़ है ना जहां जाना कितना मुश्किल है आने में भी उतनी मुश्किलें आती है को पार करते हुए आराम से पर रखिए यहाँ पकड़ी हुई
अनिल जी पटेल देखना कोच लगेगा, कोच स्लिप करेगा तो ग्रिप बना के बैठना। आइए भैया दुबे की पकड़िए किनारा बना, अच्छा इनका पहले पकड़ फिर बैठ। हम किधर छुप गए हो? हम पहले अरे खाली सीन में कले में से हमरो ले ले लो तो इतना बड़ा चट्टान आया होगा कैसे? तब किधर से आया होगा बताइए? ये चट्टान इधर से आया होगा। कैसे? चट्टान इधर से रास्ता बना हुआ है और यहाँ आके रुक गया है, वहाँ पर अटक गया है। इधर से आवाज आता तो यहाँ रास्ता बना हुआ था। देखो रास्ता बना हुआ है, इससे गर्मी लगने लगा। इधर से पानी जाता है, इधर कहाँ जाता है? नहर में, यही नहर जाता है विक्रम पटना, यही वाला पानी पटना जाएगा, ये वाला पानी।